बारिशों के बाद तबाहाल शहर सखर की तामीर और तरक्की के लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में सजी तकरीब के दौरान रुकने कौमी असम्बली नौमान इस्लाम शेख ने भी मुख्तसर खिताब किया और एतराफ़ करते हुए कहा कि बारिशों की पेशगी इतला ज़रूर थी मगर इतनी ज़्यादा बारिशें होंगी इसका ना तो अंदाज़ा था और ना ही इसके लिए तैयार थे। देखिए जी, बारिशें जो इस बार हुई हैं वो इस तरह की बारिश हुई है जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कभी किसी, और जो प्रेडिक्शन हुई थी जो मौसमियात ने कहा था कि जो पिछली बारिश हुई थी मुहर्रम में उससे कम होगी, और जो मुहर्रम के दिनों में हम दिनों बारिश हुई थी उसमें आपके शहर में कहीं भी हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम इस साइड पर नहीं है। तो कोई भी सूबा हो या कोई भी शहर हो इतने बड़े डिज़ास्टर के लिए, कोई भी मुल्क हो खासतौर पर पाकिस्तान का, कि पूरे जहाँ सिंध में तबाही आई तो कोई भी इतनी तैयार नहीं था इस तरह की तबाही के लिए। तबाहकुन बारिशों के बाद पैदा होने वाली परेशान कुन सूरत हाल को रुकने कौमी असम्बली नौमान इस्लाम शेख ने भी शरारत करार देते हुए कहा कि ऐसे वक्त में शरारत नहीं बल्कि मिलकर खिदमत करनी चाहिए होती है। शरारतें भी की जाती हैं जिसके आपको सामने चीज़ें भी मिली, जबकि ऐसी चीज़ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। शहर का जहाँ मामला है वहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर सबको एक खिदमत करनी चाहिए। आप भी खिदमत के लिए, हम भी खिदमत के लिए बैठे, सारे लोग इसलिए कि शहर की खिदमत। ऐवान सनअत व तजारत में मुनक़िदा तकरीब में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रुकने कौमी असम्बली नौमान इस्लाम शेख ने निकासी आप के लिए नई स्कीमों की भी जल्द शुरुआत का दावा किया। ऐवान सनअत व तजारत के सरबराह लाल वक़ार खान की दरख्वास्त पर शहर की फलाह और बहबूद और तामीर और तरक्की के लिए मुनक़िदा अजलास में बयान करदा मसाइल और पेश करदा तजावीज़ात पर अमल दरामद के लिए मुंतखब सियासी नुमाइंदों की जानिब से सिर्फ यकीन दहानी काफ़ी नहीं, अमली इकदाम की भी ज़रूरत है ताकि मसाइल के मंझधार में फंसा शहर और शहरी सुख और सुकून का सांस ले सकें।